जी अस्सलाम वालेकुम जी, जुबैर मैं हूँ, जुबैर शारिक। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। आज आप तमाम लोग मुझे बाईसाइकिल पे देख के हैरान तो ज़रूर हो रहे होंगे कि ऐसी क्या वजह है कि मैं बाईसाइकिल पे हूँ। तो चलें आपकी इस हैरानी को ख़त्म कर देता हूँ और बताए देता हूँ कि आज हम बाईसाइकिल का आलमी दिन मनाने जा रहे हैं। और इसको मनाने का ख़ास ख़ास वजह यूनाइटेड नेशन ने जो डिक्लेयर की वो इंसानी सेहत में इजाफा और माहौलियात की आलूदगी से हिफाजत। अगर मैं इसकी तारीख की बात करूं तो इसकी तारीख कुछ ऐसी है कि दो पहियों की साइकिल ईजाद होने से पहले चार पहियों की साइकिल ईजाद हुई, जो साइकिल 1418 में एक इटालियन इंजीनियर जियोवैनी फोंटेना ने ईजाद की। और उसके ठीक तकरीबन 399-400 साल बाद एक जर्मन इन्वेंटर कार्ल वॉन, जिनका नाम था, उन्होंने दो पहियों वाली साइकिल ईजाद की। ये साइकिल इंसानी सेहत के लिए कितनी मुफीद है, माहौलियात में कमी कैसे हो सकती है, हादसात से बचाव कैसे हो सकता है, ये तमाम चीज़ें हम आपको इसी प्रोग्राम में बताएंगे। तो हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर साहब, जो कि पेशे से एक पुलिस ऑफिसर हैं लेकिन साइकिलिंग का भी बहुत शौक रखते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि साइकिलिंग के इंसानी सेहत पर क्या मुस्बत असरात हैं और इससे किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मुझे बताइए कि साइकिलिंग के जो हैं वो क्या मुस्बत असरात हैं और इंसानी सेहत के लिए कितनी मुफीद है। साइकिलिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एक आपने जो हेल्थ पे बात करना चाहेंगे, हेल्थ पे तो इसके बेतहाशा बेनिफिट्स है। बताना चाहें तो तब आपके पास टाइम ना बचे। बेसिक इसका जो उनसे आपके जो ब्लड प्रेशर का, आपके हार्ट डिजीज़, आपके जो स्ट्रोक होते हैं और फिर आपके जो जोड़ों का दर्द होता है, और जब आप बुढ़ापे में चले जाते हैं जो आपको वो जो जिसम में दर्दी होती है वो आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं इनसे आके। इसके अलावा आपको कभी फालिज नहीं हो सकता, आपको सबसे बड़ी आपको हाइपरटेंशन नहीं हो सकती, आपको घर की या ऑफिस की जो बीमारियां, एक आधा पौना घंटा साइकिलिंग करें तो आप सब कुछ वो रिलैक्स हो गए। दूसरी बात ये कि जब साइकिलिंग कर रहे होते हैं रोड्स पे जाके तो आप न्यू व्यूज़ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो आपकी एक ब्रेन की भी हेल्थ पर भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा होता है। मुझे ये बताइए सर कि साइकिलिस्ट की क्या रेशो है हमारे यहाँ, बड़ी है या कम हुई है? आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि साइकिल आप चलाने के शौकीन हैं, ज़रा बताइए प्लीज़। इंटरनेशनली तो आपको पता है साइकिल का रुझान बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज में स्पेशली, बट इन एशिया लाइक इन पाकिस्तान लाइक मैं 2017 में स्टार्ट किया था तब आपको बहुत कम साइकिलिस्ट मिलते थे। आप साइकिल पर जा रहे थे लोग आपको बड़े घूर के देखते थे। अब रिसेंटली 2 ईयर से बहुत ज़्यादा लोग साइकिलिंग की तरफ आ रहे हैं, स्पेशली कोरोना वायरस के दिनों में आके। कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट्स में, बट पॉजिटिव इंपैक्ट ये कि लोग अपनी नेचर के बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं। उनमें से एक पहलू ये लोग अपना अपनी मशीनरी गाड़ियों से दूर होकर अब साइकिलिंग की तरफ आ चुके हैं। अब आप रमज़ान में देखें और बाकी दिनों में देखें, लोगों ने साइकिलिंग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द बढ़ी है, और पाकिस्तान में स्पेशली इसकी जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं फॉर देयर टाइम किलिंग एक्टिविटीज़ और फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के तौर पे भी। क्या साइकिल चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? ये एक मिथ है, लोग समझते हैं कि शायद साइकिलिंग करके आप बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए होती है। अब साइकिल्स बड़ी अच्छी अच्छी आ जाए, लाइक कार्बन साइकिल है वो ऑलमोस्ट 2 kg की साइकिल पड़ जाती है आपको, तो जब आप वो चलाते हैं और आपके अच्छे गियर्स लगे हैं तो शायद आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि आप साइकिल चला रहे हैं या पैदल चला रहे हैं। इनफैक्ट आपको बाइक चलाते हुए थकावट होगी, शायद आपको साइकिल चलाते हुए इतनी थकावट महसूस ना हो। आम लोगों के लिए आप कौन सी साइकिल तजवीज़ करेंगे? बहुत अहम सवाल। साइकिल के ना जो बेसिक्स टाइप मल्टीपल टाइप्स हैं, बट जो बेसिक टाइप हम गिन सकते हैं वो 3 टाइप्स हैं। एक माउंटेन बाइक है, एक हाइब्रिड बाइक है और एक रोड बाइक है। लाहौर जैसी सड़कों के लिए आपको जहाँ पे खड्डे और कुछ कच्चे एरिया मिल जाते हैं वहाँ पे रोड बाइक नहीं यूज़ कर सकते, उनका बैकबोन का भी शायद मसला हो जाए। लेकिन आप माउंटेन बाइक होती है और पहाड़ों एरिया में यूज़ कर सकते हैं, उसकी फ्रिक्शन थोड़ी ज़्यादा होगी। तो जो बेस्ट साइकिल फॉर एनी अर्बन सिटीज़ के लिए वो आपको पड़ेगी हाइब्रिड बाइक पड़ेगी। उसकी ये निशानी है कि उसके फ्रेम जो उनका माउंटेन बाइक की तरह का होगा, लेकिन जो उसका टायर होंगे वो रोड बाइक की तरह थोड़े पतले होंगे। एज स्पोर्ट्स देखें तो क्या साइकिलिंग एक महंगी गेम है? ये आजकल एक अगेन एक मिथ बन चुकी है। लोग ये समझते हैं कि शायद साइकिलिंग एलीट क्लास की एक स्पोर्ट्स बन चुकी है, क्योंकि साइकिल की जब आप व्यंचू और बाकी लोग कंपनीज के प्राइजेस सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं, शायद गाड़ी से भी बहुत ज़्यादा महंगी साइकिलें। बट ये है कि पाकिस्तान में इस चीज़ का कुछ भी नहीं, आपको 10,000-5,000 रुपये से भी साइकिल स्टार्ट हो जाती है और आप उसको साइकिलिंग कर सकते हैं स्टार्ट कर लिए। अब उसमें उसके शशकों में ना जाएँ और बाकी चीज़ों में, लाइक अब कह जी मैंने कोई ब्रांड लेना है, अब नॉर्मल ब्रांड की साइकिल भी चलना है, 10-15 हज़ार की बड़ी अच्छी साइकिल मिल जाती है। और जो लोग कहते हैं कि साइकिल बहुत महंगा स्पोर्ट्स है, मुझे कहते हैं कि 25
20-30 हज़ार रुपये का मोबाइल वो रख सकते हैं कि 10-15 हज़ार रुपये की लाइफ टाइम के लिए साइकिल नहीं रख सकते। बहुत शुक्रिया सर आप। थैंक्स जी। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि सब इंस्पेक्टर साज साहब ने हमें साइकिलिंग के बारे में कितनी अहम बातें बताई और ये भी बताया कि इतना महंगा स्पोर्ट्स नहीं है, इसको जो है आप अगर फिज़िकली फिट रहना चाहते हैं और अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं तो इस स्पोर्ट्स को इंजॉय कर सकते हैं और बड़ी रीज़नेबल प्राइस में। अब आगे चलते हैं और मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ ट्रैफिक ऑफिसर शहजाद अल्ताफ साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि साइकिलिंग जो है वो कितनी महफूज सवारी है। जी देखिए, साइकिल जो है ये दीगर सवारियों की निस्बत काफ़ी महफूज सवारी है। लोग इसको वर्जिश के हवाले से भी यूज़ करते हैं और अगर इसके हवाले से देखा जाए दीगर गाड़ियों की निस्बत हादसात में इसका तनासब बहुत कम है, तकरीबन ना होने के बराबर है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, अगला सवाल भी मेरा ये था कि हादसात में इसका जो तनासब है उसकी कमी की कोई ख़ास वजह? हादसात में इसकी कमी की जो ख़ास वजह ये है कि आजकल के दौर के मुताबिक साइकिल बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी एक ख़ास वजह यह भी है। और दूसरा, क्योंकि ये एक स्लो मूविंग है, इसको एक्सट्रीम लेफ्ट पे चलाया जाता है और साइकिल चलाने वाले भी इंतहाई बाएं लेन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक बहुत अहम वजह है जिसकी वजह से हादसात का तनासब बहुत कम है। ये जानना वैसे हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि साइकिल को जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे चलाएं और ये क्योंकि एक स्लो मूविंग सवारी है जिसकी वजह से जो है हादसात में जो शर्रा है वो कम। ये जो साइकिलिंग है इसको चलाते वक्त कोई एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए साइकिलिस्ट को? जी देखें, जैसा कि दीगर गाड़ियाँ हैं उनको चलाते वक्त एहतियाती तदाबीर हम अमल में लाते हैं, तो साइकिल भी एक सवारी है, उसमें उसको भी चलाते हुए एहतियाती तदाबीर अमल में लानी चाहिए। जिस तरह मोटरसाइकिल को चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी है, गाड़ी को चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूरी है, इस तरह जो हमारी मतलब पब्लिक है ये जहन में है कि जी सिर्फ मोटरसाइकिल को चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी है, तो साइकिल को चलाते वक्त भी एहतियाती तदाबीर अमल में लानी चाहिए। हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए, बंद जूती का इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि कुछ लोग नंगे पाँव भी इसको चलाते हैं, कैंची चप्पल का इस्तेमाल करते हैं तो वो हादसात का बाइस बनती है। बंद जूती के साथ चलाएँ और हेलमेट का इस्तेमाल करके चलाएं। बहुत शुक्रिया शहजाद अल्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें आगाही दी कि साइकिल की में हादसात की शर्रा जो है वो कितनी है और उसको कैसे चलाना चाहिए और सड़क की कौन सी लेन पे चलाना चाहिए। जी रिमशा, कैसी हैं आप? ठीक हूं। खैरियत से? आज आप साइकिल चलाना सीख रही हैं? यस। ठीक है? यस। आपको मजा आ रहा है? कैसी सवारी है? लेकिन आगे अभी तक मुझे आई नहीं ना। अभी आई नहीं सीख? मुश्किल लग रहा है। थोड़ा मुश्किल लग रहा है? बैलेंस नहीं हो रही। पहले कभी जिंदगी में साइकिल नहीं चलाई? कभी भी नहीं चलाई? नहीं। शौक है साइकिल का? शौक बड़ा है साइकिल सीखने का कि मुझे साइकिल चलानी आए और मैं यू नो ऑफिस में साइकिल पे आया करूं, लेकिन मुझे साइकिल पता है कि साइकिल में क्या क्या चीजें होती हैं? नहीं, आज मैं फर्स्ट टाइम चला रही हूं तो मैं सीखूंगी ट्रेनर से। सीख रही हैं अपने ट्रेनर से, लेकिन आप इस चीज़ को एंजॉय कर रही हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा रिमशा, मुझे ये बताओ कि लड़कियों का साइकिल चलाना हमारे सोसाइटी में किस तरह से देखा जाता है? पहले मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा 10-20 साल पुरानी बात करें तो लड़कियों को इतना एज नहीं था कि वो साइकिल चला लें या इवन के बाइक चला लें। अब भी जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं वो शायद जो इस बात को फील करते हैं, लेकिन अब जो है लोग मेरे ख्याल में इस बात से उनकी आगाही आ गई है या उनमें उन्हें एक एजुकेशन मिल गई है या जिस तरह भी है हमारे लोगों की सोच भी जो है डेवलप हुई है दूसरी तरक्की की टेक्नोलॉजी, जहाँ पे तरक्की टेक्नोलॉजी ने की है उसके साथ साथ जो है लोगों की सोच ने भी तरक्की की है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि लड़की भी साइकिल चलाए, बल्कि साइकिल क्या बाईसाइकिल स्कूटी हर चीज़ जो है पाकिस्तान में भी चला रही है। तुम्हें नहीं लगता कि ये एक टैबू समझा जाता है कि लड़की साइकिल चलाए, लड़की थोड़ी और लगेगी साइकिल चलाते हुए? बिल्कुल बिल्कुल सोच है, अभी है मजबूत है सोसाइटी में कि जो स्पेसिफिकली बाइक या स्कूटी है या जो साइकिल है ये लड़कों के लिए बनी है। लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि किसी भी बाइक किसी भी साइकिल किसी के स्कूटर के ऊपर नहीं लिखा होता कि वो लड़कों के लिए मेड इन है, वो सभी चला सकते हैं। यहाँ पर आप जो है अपनी सोच को डेवलप करें कि लड़कियाँ भी बाइक चला
सकती हैं, साइकिल चला सकती हैं, और अगर मुझे साइकिल चलाना आ गई मैं तो दौड़ूंगी साइकिल। ये बहुत ही बेहतरीन पैगाम दिया तुमने, खासतौर पर उन लड़कियों के लिए जो साइकिल चलाना चाहती हैं पर किसी न किसी मजबूरी की वजह से, ये सोसाइटल इशूज़ की वजह से, घर वालों की बंदी की वजह से नहीं चला सकती। अच्छा, मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ रमशा, कि जिस तरह देखा होगा कि बड़े बड़े वज़रा जो हैं वो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में अपने ऑफिस जाते हैं। नीदरलैंड के एक प्राइम मिनिस्टर हैं, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मार्क रूटे साहब जो हैं वो डेली साइकिल पे ऑफिस जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो इसको एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी मांगते हैं और फिजिकली फिट रहने के लिए वो डेली बेसिस पे साइकिल पे ऑफिस जाते हैं, और उनका ये मानना है कि क्यों नहीं हम जो हैं वो अपने माहौल को, जो कि गाड़ियों की वजह से, रिक्शों की वजह से आलूदा हो जाता है, तो हम अपना एनवायरमेंटल फ्री जो है वो ट्रांसपोर्ट चलाएं। ऐसे ही है। अच्छा, एक तो आपने नीदरलैंड की न्यूज़ मेरे साथ या एक इन्फॉर्मेशन शेयर की, मैं भी आपको बताती चलूँ कि यूरोप के कई ममालिक में हमारे जो सड़कों पर जहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं या बसेस चलती हैं उनका एक जो है लेन जो है वो मखसूस होती है, वैसे ही वहाँ पे साइकिलिस्ट के लिए एक अलग से लेन मखसूस है कि यहाँ से सिर्फ साइकिलिस्ट ही जाया करेंगे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग ऑफिसेज जो है वो साइकिल पर जाते हैं। बल्कि मैं आपको ज़ुबैर ये भी बताती चलूँ कि हमारे अपने ऑफिस में बहुत से लड़के और लड़कियाँ साइकिल पर आते हैं। ये तो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे सेफ सिटी के अंदर जो हैं हमारी नौजवान पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स, स्पेसिफिकली फीमेल्स जो हैं वो भी साइकिल पे आती हैं। जब वो लोग आ सकते हैं तो ये उन लड़कियों के लिए भी इंस्पिरेशन है, जो कि जिस तरह मैंने पहले बात की, जो कि साइकिल चलाने का शौक़ तो रखती हैं लेकिन किसी न किसी खौफ की वजह से चला नहीं सकती। तो ये मैसेज है मेरी तरफ से, रिमशा की तरफ से, अपने खौफ को दूर कीजिए। अगर रिमशा साइकिल चला सकती है तो इस जैसी खौफ खाने वाली, जो पहले ये भी खौफ खाती थी, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो साइकिल चला सकती हैं और बहुत अच्छे तरीके से चला सकती हैं। अपने शौक को पूरा कीजिए लेकिन। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी सुबैर, कि हम जो है मैंने जिम ज्वाइन किया कुछ माह पे कबल जो है वो जिम ज्वाइन किया, और बड़ी मैंने हैवी फी पे की उन्हें, लेकिन वहाँ पे मैं क्या करती थी, साइकिल चलाती थी। मतलब एक स्टैंड बाय साइकिल थी और उसको मैं चलाती थी। तो मतलब ये कितने पैसे मेरे बच गए एक साइकिल लेने से, और मैं इजीली अब सड़कों पे चलाया करूँगी। और काम तो वही है, वेट लॉस हो रहा है, आपकी एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी है, तो ये बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है। जिस तरह आप कोरोना वायरस की वजह से घरों में सारे है और कोई एक्टिविटी नहीं मिलती, तो ये है कि आप जो है थोड़ी देर के लिए बाइसाइकिल चलाएं शाम में बाहर निकलें, तो बड़ा ये अच्छा और एक हेल्दी एक्टिविटी है। आप ये बहुत अच्छी बात की आपने रिमशा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बहुत अच्छी बात करने का और अच्छे अच्छे पैगाम देने का। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने साइकिल का जो है वो आलमी दिन सेलिब्रेट किया और इसके हवाले से बहुत सारी आगाही आप लोगों से शेयर की। साइकिल चलानी है तो चलाएं, फिट रहने के लिए जो है एक बेहतरीन ज़रिया है। अपने और अपने बड़ों का ख्याल रखिए, छोटों से प्यार कीजिए और सेफ़ रहिए सेफ सिटी के साथ। अलविदा।